हमारी ये यात्रा इन तीन काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं, ये जो खेती का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे, इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इनके लोगों की रक्षा करना है। ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। छह महीने बाद, जैसे आज मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, छह महीने बाद आप देख लें। ठीक है, ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। एमएसपी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां हैं। ये एक प्रकार से किसान का, फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है। किले में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमियां नहीं, कम मंडियां हैं, करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, मगर किले को अगर आपने तोड़ दिया तो किसान बच नहीं सकता। अब नरेंद्र मोदी किले को क्यों तोड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने जीएसटी क्यों की? नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय गरीबों की मदद क्यों नहीं की? दो नाम दे सकता हूं, अंबानी, अदानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अदानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। अब मजाक कौन कर रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है? बिकॉज आई वॉन्टेड दैट फैमिली टू नो दैट दे आर नॉट अलोन। मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है।